नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर वन शो शंखनाद में आपका स्वागत है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे पर गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को गुजरात का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। ये बड़ी खबर, कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण भी होगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ ले लेंगे 2 बजे, और अब से कुछ देर पहले वो राज्यपाल से मिल चुके हैं। विधायक मंडल ने उन्हें अपना जो नेता चुना है उसका शपथ पत्र उन्होंने सौंप दिया है। तो 2 दिन बाद नई कैबिनेट का ऐलान भी होगा, यानी कि नए मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। राज्यपाल से भूपेंद्र पटेल ने मिलने के बाद ये कह दिया है कि 2 बजे कल शपथ ग्रहण भी होगा। बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है, सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता गोपी घांगर के पास। तो गोपी, अब यह तय हो गया कि 2 बजे शपथ ग्रहण है, ये बहुत जल्द जल्द जो फैसले हो रहे हैं अचानक अचानक गोपी चौंकाने वाले, क्या इसमें कुछ नाम कैबिनेट में ऐसे भी होंगे जो हमें चौंका पाएंगे, या अभी सिर्फ शपथ ग्रहण और उसके बाद कैबिनेट का ऐलान? बिल्कुल सही, आपको बता दूं कि अब कुछ नाम ऐसे होंगे जो काफ़ी चौंकाएंगे, क्योंकि कैबिनेट से कई लोगों को हटाया भी जाएगा और कई नए नाम भी इसमें जोड़े जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि भूपेंद्र पटेल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल दोपहर 2 बजे होगा। राजभवन में ये समारोह होगा और वहाँ पे सिर्फ भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, और उसके बाद 2 दिन बाद उनके जो कैबिनेट है कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी 2 दिन के भीतर कैबिनेट में जो बदलाव है वो होने निश्चित है। कई नाम ऐसे होंगे जिसे हटाया जाएगा और कई चेहरे ऐसे होंगे नए जिसे लाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के अडालज में आए हुए त्रिमंदिर में, और यहाँ पे भूपेंद्र पटेल जो है वो दर्शन के लिए पहुँचेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जो रणनीति अब तक जितने भी लोग थे वो विजय रूपाणी के कैबिनेट में थे, लेकिन अब भूपेंद्र पटेल कौन से नए चेहरों को लाते हैं, कौन युवा चेहरे रहते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सईद जी, गोपी आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे लगातार करते रहेंगे। उधर गुजरात में अगले 5 साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव को सिर्फ 1.5 साल बाकी, और इससे पहले पार्टी को नया पटेल मिल गया, नया मुख्यमंत्री मिल गया। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का नाम सबके लिए चौंकाने वाला था, और इसका कारण ये रहा कि पटेल हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, भूपेंद्र पटेल, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल सभी नेताओं को पीछे छोड़कर गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए। भूपेंद्र पटेल वो चेहरा जो गुजरात में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाएगा, जिसकी अगुवाई में बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेगी, और जो पीएम मोदी के गृह राज्य में फिर बीजेपी की पताका फहराने के लिए पार्टी को एकजुट करेगा। चर्चाएं कई थी, अटकलें कई नामों की थी, लेकिन गुजरात की सियासी पटकथा में नए सीएम का नाम सामने आया तो ये एक बार फिर हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोडिया के जो विधायक है, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है, और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहे। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होते ही निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उन्हें गले लगाकर बधाई। मुख्यमंत्री की दौड़ के प्रबल दावेदार नितिन पटेल ने भूपेंद्र भाई को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मनसुख मांडविया ने पार्टी को साथ आगे बढ़ाने का भरोसा दिया, और भूपेंद्र पटेल ने इस जिम्मेदारी के लिए सबको धन्यवाद दिया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। भूपेंद्र पटेल ना तो कभी सरकार में मंत्री रहे और ना ही कभी उनके पास बड़ा पद रहा, लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य के लिए उनके नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी को साफ संदेश दे दिया गया, यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में नाम नरेंद्र मोदी का चलेगा और चेहरा होंगे भूपेंद्र पटेल।
भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी ने उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव के विजय मिशन पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समाज के नेता हैं, जो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाट लोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल को नया सीएम बनाकर बीजेपी ने गुजरात की सियासत में एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र पटेल के जरिए बीजेपी ने गुजरात की पाटीदार समुदाय वाली पॉलिटिक्स को साधा है। इसके साथ ही नया चेहरा सामने लाकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को भी कम करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार के कामकाज से नाराजगी की वजह से ही चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी को सीएम पद छोड़ना पड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटें हासिल नहीं कर सकी थी, ऐसे में इस बार चुनाव से पहले बीजेपी किसी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। तलाश ऐसे चेहरे की थी जो नया हो और जिसकी अगुवाई में पार्टी को एकजुट कर चुनाव में उतारा जा सके। भूपेंद्र पटेल गुजरात के चुनावी समर में बीजेपी के नए सारथी चुने गए हैं। उनके पास बमुश्किल एक साल का वक्त होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव की असली लड़ाई तो पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ी जाएगी। गांधीनगर से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता गोपी खांगर इस समय हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें हम आपको उससे पहले दिखाते हैं, गोपी से बात करने से पहले। ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के बाद। गोपी जिस स्मूथनेस से ये सारा कुछ मामला हो गया, विधायक मंडल ने अपना नेता चुन लिया, भूपेंद्र पटेल को सबने हाथ खड़ा करके फोटो खिंचवा लिया, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, क्या ये सब अच्छा अच्छा ही है या भूपेंद्र पटेल के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल सही, भूपेंद्र पटेल के लिए चुनौतियां कई सारी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जो छवि सरकार की बनी हुई है, उस सरकार की छवि को अब विकास के मॉडल के तौर पर उन्हें एस्टेब्लिश करना है, ये उनके सामने सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है वो है। इसके अलावा उनको सरकार और संगठन के बीच में तालमेल भी बनाना है, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए, और सबसे अहम जो अधिकारी राज है उसे खत्म करना रहेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भूपेंद्र पटेल जो है वो इसमें राज करते हैं और किस तरीके से उनका शासन जो है वो चलता है वो, क्योंकि अगर उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी रीशफल होगा और उसमें अब कौन से मंत्री को लिया जाएगा और किसे हटाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये तस्वीरें जो सईद आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद के त्रिमंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे भूपेंद्र पटेल पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं लाइव, और बहुत विश्वास रखते हैं भूपेंद्र पटेल यहाँ पे त्रिमंदिर में, और अब वो पहुँचे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। सबसे अहम रहेगा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल के सामने चुनौतियाँ कई सारी है और भूपेंद्र पटेल को इन चुनौतियों से भी लड़ना है, और चुनाव को लेकर अब सिर्फ एक साल का वक्त है। सही, हाँ गोपी, इन तस्वीरों के बारे में और बताइए प्लीज। भूपेंद्र भाई बात कीजिए, अगर बात हो जाए तो। गोपी देखिए सईद, ये जो मंदिर है ये बहुत धन्यवाद गोपी खांगर हमारी संवाददाता, हालांकि वहीं पर मौजूद हैं जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे, और उन्होंने यानी कि गोपी ने भूपेंद्र पटेल जी से बात करने की भी कोशिश की। फिलहाल गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से पाटीदार वाला दांव खेल दिया। 1995 में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी ने केशुभाई पटेल को अपना मुख्यमंत्री गुजरात में बनाया था, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक बीजेपी सरकार में तो जरूर आई, लेकिन पाटीदार समाज से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल पाटीदार समुदाय से बीजेपी की तरफ से दूसरी मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर से पाटीदार दांव खेला। पाटीदार समाज से इस समय पार्टी में 44 विधायक हैं, जिनमें से एक भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया है।
आखिरकार बीजेपी ने गुजरात में खेला पाटीदार दांव। पाटीदार नेता को मिली सीएम की कुर्सी। 2022 के लिए बीजेपी का पाटीदार दांव। मुख्यमंत्री बदला, अब मंत्रिमंडल में भी दिखेगा बड़ा उलटफेर। गुजरात में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर के साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी इस बार पाटीदार वोट को पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है, जो लगातार बीजेपी से दूर जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। गुजरात में करीब 20-22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। ये आंकड़ा पिछली बार से 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% पर पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउआ पटेलों की 31% ज्यादा मत मिले, जो 46% तक पहुंच गया। लेकिन बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ, उसे लेउआ पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में उतरे थे, जहां कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ा। ऐसे में पाटीदार की नाराजगी लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था, क्या विजय रूपानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है, कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में। बीजेपी ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया था, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को लगता था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका असर गुजरात के चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों में जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई। जहां उसे 99 सीटों में जीत हासिल हुई, इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। इससे पहले पाटीदार की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार पाटीदार नेता मनसुख मंडाविया को गुजरात से केंद्र में लाए, जहां उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम विभाग दिया गया। इसके अलावा एक और पाटीदार चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से दिल्ली लाकर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि इस बार सीआर पाटिल ने पाटीदार होने की वजह से सीएम बनने की बात से इनकार कर दिया। स्वाभाविकपणे नवा मुख्यमंत्री माटेनी वातो मीडियामा अने चेनलो पर चाली रही छे। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડિયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી। ऐसे में बीजेपी ने पूरी गणित बदली और पाटीदार नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जहां पार्टी की पूरी कोशिश पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करना है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने बीते 6 महीनों में अलग अलग राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदले, यानी नेतृत्व में बदलाव के द्वारा बीजेपी अपने विजय अभियान को आगे ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। इन बदलावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली की साफ झलक है, जिसमें उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। राज्य कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पीएम मोदी की पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है रिजल्ट। कमान उसी के हाथ में होगी जिसका काम बोलेगा, जिसके पास जनता का साथ होगा और जिसका नाम चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी होगा। वरना चाहे सिर पर चुनाव हो, बीजेपी नेतृत्व में बदलाव से पीछे नहीं हटेगी। हाल में कई राज्यों में बीजेपी पीएम मोदी के इस फॉर्मूले पर चलकर कई सीएम बदल चुकी है। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन वाले उस फॉर्मूले की हो रही है, जिसके चलते हाल में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की सबसे ज्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली।
जहां प्रदेश की जनता ने 6 महीने के भीतर 3 सीएम देख लिए। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तीरथ सिंह रावत बमुश्किल 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर दक्षिण में भी बीजेपी के ऐसे ही बदलाव के चलते येदियुरप्पा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी और कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। असम में भी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलकर हेमंत बिस्व शर्मा को कमान सौंप दी थी। ये पीएम मोदी का सीधा पैमाना है, कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की, वरना गद्दी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। हालांकि कई विरोधी इस रणनीति को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आप को 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम बदलने से पार्टी पर आने वाले चुनाव का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अंतिम फैसला सूबे के सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर लिया जाता है, ताकि बदलाव के साथ चुनाव में पार्टी की जीत की राह आसान हो सके। अहमदाबाद में गोपी मणियार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आइए गुजरात से चलते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जारी राजनीतिक सरगर्मी की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुश्किल से 6 महीने का समय बचा है। सत्ता की रेस जीतने के लिए विभिन्न पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं, चाहे वो धर्म का हो या फिर जाति विशेष का दांव। बीजेपी के बूथ विजय अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्री राम के नाम का मुद्दा उठाया, तो आज रायबरेली में प्रियंका गांधी ने भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान की शरण में जा रहा है तो कोई भगवान राम की भक्ति दिखा रहा है, और कोई सर्वजन के नारे के साथ चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रहा है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिख जाती है। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। प्रियंका का काफिला तेजी से रायबरेली की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में प्रियंका हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुक गई और मंदिर में पूजा पाठ किया। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी, और अजय कुमार लल्लू भी यहां मौजूद हैं। 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के करामात के भरोसे है। यही वजह है कि प्रियंका चुनावी रणनीति के साथ साथ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। रायबरेली के रास्ते पर जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है, और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत हो रहा है, और एक बार फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और तस्वीरें अब लगातार आज तक पर देख रहे हैं। अब तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो कार्यकर्ताओं के बीच आ चुकी हैं और मिल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को फिर से साथ लाने का प्लान तैयार किया है, और इसके लिए वो खुद कई नेताओं से सीधे संपर्क की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की यह कवायद कांग्रेस को यूपी में मजबूती दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को पिकनिक बताकर तंज कस रहे हैं। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों देश के अंदर, योगी जैसा कर्मयोगी न होता, तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों।
कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गए। सवाल ये भी है कि प्रियंका की ये कोशिश बीजेपी के मिशन यूपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि कई विरोधी पार्टियां यूपी की राजनीति की धर्म कर्म वाली इस लड़ाई की काट जातीय समीकरण ढूंढने में लगी। बीएसपी और एसपी दोनों ही जातियों को जोड़कर यूपी में जीत का प्लान तैयार कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी दलित ब्राह्मण वाले समीकरण को फिर से साधने में जुटी है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। औरैया में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को एसपी के पक्ष में लामबंद करने की तैयारी है। सियासी सरगर्मी के बीच हर किसी के अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दम भर रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसके दावे जमीन पर सच होंगे इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और शंखनाद में अब बात अफगानिस्तान की, जहां से एक बार फिर से खौफ डर की तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया ऐसी चिंता में डूबी है कि आतंकवादियों से पार कैसे पाया जाए, लेकिन एक महीना होते होते पूरी दुनिया के लिए एक नया सरदर्द सामने आ गया। 9/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना आयमन अल जवाहिरी अचानक से इसी हमले की बरसी के दिन सामने आया। लंबे अरसे से गायब रहे अल जवाहिरी ने करीब एक घंटे की वीडियो में अपना आतंकी एजेंडा खोलकर रख दिया, साफ कर दिया कि तालिबान राज में आतंकवादी भाईचारा नए सिरे से पनपने लगा है। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान की जमीन से भगाया, अब अलकायदा ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ना तालिबान को खत्म कर पाया और ना ही अलकायदा को। 20 साल पहले 9/11 के आतंकी हमले से इस जंग की शुरुआत हुई थी और आज एक बार फिर जंग उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। 20 सालों में कुछ नहीं बदला, तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, तो वहीं अब अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी जिंदा हो गया है। वो अल जवाहिरी जिसे दुनिया ने मरा मान लिया था, वो अल जवाहिरी जिसकी मौत के बाद अलकायदा की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कही जा रही थी। 9/11 की 20वीं बरसी पर अल जवाहिरी का ताजा वीडियो सामने आया। ये वीडियो अलकायदा के टेलीग्राम चैनल अल साहब मीडिया पर अपलोड किया गया। 60 मिनट के वीडियो में अल जवाहिरी ने जिहाद को लेकर कई बयान दिए। जवाहिरी ने अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों को सही ठहराया। 9/11 के हमलावरों की जवाहिरी ने तारीफ की। ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाला अल जवाहिरी पिछले काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में सामने आई थी, जिसके बाद जवाहिरी का ना कोई वीडियो सामने आया था ना उससे जुड़ी कोई जानकारी। लेकिन इस वीडियो में अल जवाहिरी पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। इस वीडियो के बाद ये बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी जिंदा है। दरअसल नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें आई थी, उसके बाद से अल जवाहिरी का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन मौत की खबरों के ठीक एक साल बाद अल जवाहिरी एक बार फिर मीडिया के सामने है। जारी हुए वीडियो में जवाहिरी कह रहा है कि हमें उन 19 मुजाहिदीनों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अमेरिका के दिल को घायल किया और ऐसा हमला किया जिसका स्वाद अमेरिका ने इससे पहले कभी नहीं चखा था। जिन्होंने उसको बनाया और उसका साथ दिया, मैं अपने उन भाइयों को भी बधाई देने आऊंगा, इस्लाम के सिपहसालारों को जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में जीत मिली है, वो वाकई महान जीतों में शामिल है
और ये जीत अल्लाह की वजह से मिली। मुजाहिदों और मुसलमानों का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि वो इंसानों को सही रास्ता दिखाएं और उन्हें अंधेरे से बाहर निकालें। अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व मुर्तजका। वीडियो में अफगानिस्तान में हालिया डेवलपमेंट के बारे में या तालिबान का कोई भी जिक्र नहीं है। वीडियो में सिर्फ एक बार अफगानिस्तान का जिक्र किया गया है, जिसमें अल जवाहिरी कह रहा है कि 20 साल की लड़ाई के बाद टूटा और बिखर चुका अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान से वापस लौट रहा है। ये जो असली जड़ है, जो तालिबान के पीछे, ISI के पीछे, अलकायदा के पीछे जो ताकत है, वो पाकिस्तान है। अनलेस एंड अंटिल अमेरिका बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो ये 9/11 जो है दोबारा हो सकता है। नए वीडियो में चेहरा दिखाने से पहले जवाहिरी महीने भर पहले भी चर्चा में आ चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जवाहिरी के नाम से तालिबान चीफ अखुनजादा के लिए एक बधाई संदेश जारी हुआ था। जवाहिरी ने तालिबान के साथ कदम मिलाने की बात भी कही थी, लेकिन तब इस बधाई संदेश का शक जताया जा रहा था क्योंकि पिछले साल जवाहिरी की मौत की खबर आई थी। लेकिन इस वीडियो के जरिए अलकायदा ने दो संदेश साफ दे दिए हैं। पहला संदेश ये कि आतंकी संगठन का सरगना जिंदा है और स्वस्थ है। इस बात की पुष्टि इससे हो रही है कि वीडियो में जवाहिरी अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने की बात कह रहा है। दूसरा संदेश ये कि तालिबान और अलकायदा का गठजोड़ काल्पनिक नहीं बल्कि सच्चाई है। इसका सबूत ये है कि लंबे अरसे बाद तालिबान राज में जवाहिरी कैमरे के सामने आया। वहीं अमेरिका अभी भी आशंका जता रहा है कि तालिबान में अलकायदा एक बार फिर सिर उठा सकता है। If you had told anybody that we were going to spend $300 million a day for 20 years to try to unite the country after we got bin Laden, after Al-Qaeda was wiped out there, can Al-Qaeda come back? Yeah, but guess what? It's already back other places. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर तालिबान की तरह अलकायदा भी ताकतवर होने वाला है? क्या एक बार फिर अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बनने वाला है? पाकिस्तानी टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब तालिबान के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने अलकायदा के साथ किसी भी तरह की साठगांठ से इनकार किया। ये हमने 20 साल पहले भी अमरीकों को कहा था कि इसमें कोई अफगान शामिल नहीं है 9/11 में, बल्कि मुझे याद है कि उस टाइम हमने इस इंसिडेंट को कंडेम भी किया। दुनिया भर की इंटेलिजेंस बता रही है कि अलकायदा का तालिबान काम कर रहा है, जहां एक बार फिर वो ताकतवर होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तालिबान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। अमरीकियों के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें आप लोगों ने ये वाजे किया है कि आप अलकायदा और इस तरह की तंजीमों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि अब भी सैकड़ों की तादाद में अलकायदा के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बेसलेस क्लेम्स है और बेसलेस रिपोर्ट है जो उसको फराहम करते हैं, उसके बेस पर वो UN रिपोर्ट बनते हैं। इसलिए हमने कई बार उसको रिजेक्ट भी किया है। वो बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमने वादा किया है कि अफगानिस्तान में कोई फंड रेजिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और रिक्रूटमेंट सेंटर, इसको हम नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान में। इन सब के बीच ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि अब 9/11 जैसे आतंकी हमले का खतरा एक बार फिर पैदा हो गया है। इन सब के बीच अल जवाहिरी का वीडियो आना खतरे की घंटी जैसा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा आतंकवादियों को मजबूत करेगा, इसका मतलब ये है कि 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बरकरार है। पश्चिमी देशों के खिलाफ अलकायदा की तर्ज पर नई आतंकी साजिशें रची जा सकती हैं। 9/11 के वक्त अलकायदा को अफगानिस्तान में पूरी छूट मिली हुई थी। बहुत ज्यादा आशंका है कि आतंकी संगठन फिर से एकजुट होंगे और 9/11 जैसे हमलों को फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन दुनिया भर में आतंकियों का हौसला अचानक से बहुत बढ़ गया है। अलकायदा जिंदा है, अल जवाहिरी जिंदा है, तालिबान ताकतवर हो चुका है, अमेरिका हर मोर्चे पर अफगानिस्तान में फेल हो चुका है, अब ये तस्वीरें दुनिया के लिए खतरा है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ आतंकवादी संगठन है तो दूसरी तरफ आतंकवादी एजेंडे को हवा देने वाले देश तालिबान राज में अपनी बिसात बिछाने में लगे। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक बैठक बुलाई।
अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसी देशों के अलावा इसमें चीन और रूस की खुफिया एजेंसी के चीफ भी शामिल हुए। पांच सितंबर को आईएसआई चीफ काबुल गए। 11 सितंबर को इस्लामाबाद में आईएसआई की बड़ी बैठक। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान कितना बेचैन है, इमरान खान की सरकार और उनकी एजेंसियों में मची हलचल इसे साफ बयां कर रही हैं। तालिबान सरकार के कैबिनेट के नाम पर तय होने से ठीक पहले आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंचे थे और कल यानी 11 सितंबर को इन्हीं फैज हमीद ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के मसले पर एक बड़ी बैठक की। बैठक में करीब 7-8 देशों की खुफिया एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। हालांकि देशों के नाम पर पूरी तरह मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में रूस, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। यह बैठक आईएसआई चीफ फैज हमीद ने बुलाई थी। जाहिर तौर पर बैठक अफगानिस्तान के मुद्दे पर थी, लेकिन बैठक में किन किन मसलों पर बात हुई, क्या तय हुआ, इसका खुलासा पाकिस्तान समेत किसी देश ने नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि तालिबान सरकार को दुनिया भर में मान्यता दिलाने की कूटनीतिक कोशिशों की अगुवाई का जिम्मा पाकिस्तान ने ले रखा है, क्योंकि तालिबान की सरकार में ज्यादातर मंत्री या तो पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकी हैं या उसके मदरसों और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले आतंकी सरगना। हालांकि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान की बात कौन सा देश सुनेगा और कौन तालिबान को मान्यता देगा, इसमें ज्यादा शक नहीं है। और तो और तालिबान खुद भी पाकिस्तान की सुन रहा है या नहीं, इसे लेकर भी पाकिस्तान में ही बहस शुरू हो गई है। मगर डेफिनेटली एक मैसेज गई है कि वी आर मेजर प्लेयर्स, वी वेलकम, हम भी सभी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, मगर हमारी एजेंसियां भी जो है वो भी अभी इस किस्म की इंप्रेशन देना जा रहा है, देना नहीं चाहते, जा रहा है मतलब है कि नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली कि वी आर मेजर प्लेयर्स एंड वी कैन डू थिंग्स हियर, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, द तालिबान आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। ये बहस कल यानी 9/11 की बरसी पर हुई एक बड़ी घटना से शुरू हुई। तय ये हुआ था कि अमेरिका के 20 साल पुराने घावों पर जश्न का नमक छिड़का जाए और इसी दिन तालिबान की आतंकी सरकार का शपथ ग्रहण किया जाए, लेकिन ऐन मौके पर तालिबान ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम टाल दिया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पैसों की बर्बादी है, इसलिए तालिबान सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेगी। पानी की तरह गोलियां बहाने वाले तालिबान को शायद अब पैसों की भी फिक्र होने लगी हो, लेकिन असलियत यह है कि वो अपने ही खैरख्वाहों के दबाव में झुकने को मजबूर हो गया। माना जा रहा है कि रूस और चीन को 9/11 की बरसी पर शपथ ग्रहण से एतराज था। दोनों देश भले ही अमेरिका के धुर विरोधी हों, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में उनका शामिल होना सीधे सीधे आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने जैसा होता, लिहाजा इनके दबाव में ही तालिबान को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तालिबान के खुद की करतूतें भी अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से अलग नहीं हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की निंदा करके उसने अपनी नरम छवि दिखाने की कोशिश की है। अब उसके सलाहकार यही नसीहत दे रहे हैं कि खुलेआम आतंक का समर्थन देकर छवि बिगाड़ने की बजाय चुपचाप आतंकी एजेंडा चालू रखा जाए। बहुत मुमकिन है कि इन्हीं चालबाजियों की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए इस्लामाबाद में कल मीटिंग बुलाई गई थी। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी का ये खेल तो पहले ही बेनकाब हो चुका है, लेकिन इस अमेरिका से बैर भुनाने के नाम पर इस खेल में रूस का शामिल होना भारत के लिए बड़ी चिंता बन सकती है। आज तक ब्यूरो।